भगत और मैं हूं आपके साथ साक्षी शिवा। बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। दरअसल बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है, तो क्या कुछ कहा है सुशील मोदी ने, जरा सुनिए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और लोग हैं कि खर्च कर ये चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और लोग हैं कि खर्च कर ये चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक। तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया उसका नीतीश कुमार ने अवहेलना किया है। सुशील मोदी ने कहा है और बड़ा दावा किया सुशील मोदी ने कि चुनाव फिर से टल सकता है, तो इसमें पैसे लगाने से पहले सोच ले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।